छत्रपति शिवाजी महाराज, ये नाम सुनते ही भारतवासियों के मन में एक ऐसे राजा की छवि उभर के आती है जो जाणता राजा के नाम से फेमस थे, यानी जो प्रजा के बारे में जानते हैं, उनके दुखों के बारे में जानते हैं। और भारतीय इतिहास में अटक से कटक तक का साम्राज्य की नींव रखने वाले अगर कोई थे तो वो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। इस व्यक्तित्व की इतनी बड़ी इमेज, इतनी बड़ी छवि ऐतिहासिक रूप से भारत के लोगों के मन में बन गई है कि इन्हें एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन देखा जाता है मिलिट्री और स्ट्रेटेजी के मामले में। नेवी वालों को इनसे खास लगाव है क्योंकि इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी या फाउंडर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है, क्योंकि समुद्री खतरे को पहचान के एक अलग से नौसेना बनाने का प्रयास श्री शिवाजी महाराज ने अपने समय में किया था। और 50 साल की कम उम्र में ही इन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया जो आज 300-400 साल बाद भी हम उस बात को याद करते हैं। ये व्यक्तित्व ही असाधारण था। एक बेसिक अगर मैं आपको अपनी उम्र की बात बताऊं तो छत्रपति शिवाजी खाली 16 साल के थे जब उन्होंने माता भवानी के मंदिर में अपना अंगूठा काट देवी के चरणों में खून की बूंदे अर्पण करते हुए शपथ ली थी, और पहला किला वहाँ के आदिलशाही राजा से जो उन्होंने कब्जाया सबसे पहले, उसका नाम है सिंहगढ़। उस जमाने में उसे कोंढाणा कहते थे जो पुणे से 60 किलोमीटर की लगभग दूरी पर है। तो 16 साल की उम्र में इस लड़के को इस बात की समझ आ गई थी कि आगे लाइफ में करना क्या है। और वही अगर आप आज देखें तो ये एक्चुअली हमारी विटंबना है कि ऐसे शिवाजी के देश में 16-17 साल के बच्चे या तो कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर अंग्रेजी कल्चर के शिकार होते हुए आपको दिखते हैं। ठीक है, उस जमाने में बिना कोई ऐसा फॉर्मल एजुकेशन या बड़े किसी गुरुकुल में गए हुए इस बच्चे को ऐसी क्या परवरिश मिली, इन्हें ऐसा वो कौन सा माहौल मिला जिसकी वजह से एट द यंग एडोलेसेंट एज ऑफ 16 इन्होंने मुगलों के सरदारों पर हमला करके इतना बड़ा रिस्क लेके अपने ही गांव के साथियों के साथ बहुत बेसिक वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए इतना बड़ा किला अपने कब्जे में ले लिया और महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य की नींव रखी जो आगे जाके एक पैन इंडिया एम्पायर बनते बनते रह ही गया था। आपको याद होगा कि उस समय दिल्ली की सत्ता भी शिवाजी के नाम से कांप उठती थी, और उनका व्यक्तित्व आज इतना बड़ा है हमारे मन में कि अब जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, यहाँ की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो यहाँ अगर आप शिवाजी ऐसा बोलेंगे तो उसे ठीक नहीं माना गया है। या तो हम बोलते समय शिवाजी महाराज कहते हैं या छत्रपति शिवाजी कहते हैं, एक सिंगल नाम कभी नहीं लिया जाता। इट बिकम्स अ वेरी इमोशनल इशू विद महाराष्ट्रियन पीपल। तो इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट 300-400 साल बाद उनके डेथ के आज भी लोगों के मन में है। इसका कारण ये है कि दिस मैन वॉज अ नेशन बिल्डर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुणे यूनिवर्सिटी ने ये जो कोर्स छत्रपति शिवाजी पे शुरू किया है, इसका भी यही उद्देश्य है कि छत्रपति जी के बारे में भारत के युवाओं को बताया जाए। और आज के जो 16-17 साल के लौंडे लपाटे इधर उधर तब टाइम वेस्ट करते हैं, करियर के मामले में कन्फ्यूज है, लाइक सब नहीं है लेकिन बहुत लोगों का तो यही हाल होता है। 16 की उम्र में तो इन्हें ठीक से समझ भी नहीं आती। वही इस देश में हमारे इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति था जो उस उम्र में इतने बड़े बड़े कारनामे कर रहा था, और उनका पूरा अगर आप जीवन चरित्र देखें तो वो काफ़ी इंस्पिरेशन हो सकता है आज के यूथ के लिए। एक एक चीज़ उनकी लाइफ से हम सीख सकते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट हो, चीज़ों का मैनेजमेंट हो, लॉजिस्टिक्स हो, स्ट्रेटेजी हो, और मिलिट्री हिस्ट्री तो डेफिनेटली है। इसीलिए छत्रपति शिवाजी को बाकी रिलीजन, पॉलिटिक्स, इन सारी चीज़ों से दूर रखते हुए, क्योंकि जब आप मूवीज़ वगैरह में देखते हो तो या तो इस व्यक्तित्व को ठीक से समझा नहीं जाता है, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं ना कि बहुत ग्लोरीफिकेशन में लग जाते हैं। अब ग्लोरीफाइड तो वो थे ही पहले से, उनकी लाइफ ही एक्स्ट्रॉर्डनरी थी, लेकिन ग्लोरीफिकेशन का डिसएडवांटेज पता है क्या है कि जब आप एक व्यक्ति को बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे बिठा देते हो ना अपने मन में, तो फिर आप एक बिहेवियर आपके अंदर आ जाता है कि यार वो तो उस तरह से बिहेव करते थे ना क्योंकि वो तो छत्रपति थे, हम थोड़ी ना उनकी क्वालिटीज़ को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ऐसी बातें फिर लोग करने लग जाते हैं, और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि महाराज के नाम पे ये या मराठी भाषा के नाम पे या तो राजनीति हुई है या उस पॉलिटिकल इशू बनाया गया या फिर लाइक अलग अलग तरह के झगड़े उसमें से निकल के आते हैं। लेकिन पूरी तरह से न्यूट्रल होके एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव से शिवाजी नामक व्यक्ति को अगर आपको समझना है, पहचानना है, उनकी पॉजिटिव निगेटिव सारी क्वालिटीज़ पर अगर आपको खुल के बात करनी है और ये समझना है कि अपने समय में वो इतनी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स कैसे कर पाए। आजकल मोदी जी सबका साथ सबका विकास बोलते हैं,
लेकिन ये फिलॉसफी इन्होंने 300 साल पहले कैसे अपनाई, कैसे अलग अलग जाति धर्म के लोगों को लेकर ये साथ चले और किस तरह से डिप्लोमेटिकली ये डील करते थे अपने दुश्मनों से, ये सारी बातें अगर आपको स्टडी करनी है और आज के ज़माने में यूज़ करना है इस देश के भले के लिए, तो वो आप इस कोर्स के माध्यम से कर सकते हो। देर इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन छत्रपति शिवाजी एज अ नेशन बिल्डर, पुणे यूनिवर्सिटी के डिफेंस डिपार्टमेंट का ये कोर्स है। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं ये कोर्स करूं, लेकिन पेंडेमिक के वजह से मैं नहीं कर पाया। तो आज इस कोर्स के बारे में हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन शायद थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट। बट जब मैं एज अ महाराष्ट्रियन, या महाराष्ट्रियन ही क्यों, क्या है ना, एक भारतीय होने के नाते भी जब मैं शिवाजी महाराज का चरित्र पढ़ता हूँ, उनकी प्लानिंग का एनालिसिस करता हूँ, मैप लेके जब मैं बैठता था कि भाई इस जगह से उस जगह कैसे गए होंगे, कितने लोगों को ले गए, ये सारी चीज़ें जब मैं अपने लेवल पे स्टडी करता था, तो बहुत आश्चर्य होता है, अचंभित होता है कि इनको इतनी नॉलेज कैसे आती थी, इतना ये पर्सनैलिटी खुद की कैसे डेवलप कर पाए। तो चलिए इस कोर्स के बारे में हम बात करते हैं। इसका अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस शायद इन्होंने इस प्रॉस्पेक्टस में नहीं दिया है, ये पुराना वाला प्रॉस्पेक्टस है, इस साल अगर नया लॉन्च किया होगा तो मुझे आइडिया नहीं है, ये 2020 का है। इसमें 20 या 25 कुछ सीट्स हैं, 10 या 12 हज़ार तक इसकी फ़ीस होंगी और ये एक साल का फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स है। और एज़ यूजुअल मैं आपको बता चुका हूँ पहले वीडियोस में कि मिलिट्री ऑफिसर्स और सिविलियंस दोनों तरह के लोग पुणे यूनिवर्सिटी में इस कोर्स को पढ़ाते हैं। और अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स में इंटरेस्टेड है, आइदर शिवाजी महाराज के प्रति, व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित होकर, या उनकी स्ट्रेटेजी से अगर आपको लगता है कि आप कोई प्लान बना पाओगे इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि कई बार कहते हैं कि इतिहास से हमें सीखना चाहिए, और जो नेशन बिल्डिंग का काम है वो दो तरह से होता है, एक इंटरनल यानी देश को मजबूत अंदर से बनाओ, और एक एक्सटर्नल यानी कि मिलिट्री के हाथ में ज़्यादा पावर दो, स्ट्रेटेजी बनाओ, इंटेलिजेंस गैदर करो। छत्रपति शिवाजी का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भारत में काफ़ी फेमस था उस ज़माने में। बहिर्जी नाइक, अगर आप इनके बारे में जानते हैं, आपको पता होगा, वो इतना ज़्यादा सीक्रेटली काम करता था कि मुगलों से 4 कदम हमेशा शिवाजी महाराज आगे रहते थे, और इसलिए कई बार वो जीतते भी थे। तो अगर इन सारी चीज़ों का अध्ययन, हिस्ट्री का अध्ययन आपको करना है और एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से करना चाहते हो, बिना किसी पॉलिटिक्स में पढ़े या बिना किसी को अननेसेसरी ग्लोरीफाई किए, क्योंकि ईमानदारी से अगर मैं आपको बात कहूँ तो छत्रपति शिवाजी खुद कभी भी अपने दुश्मनों का मजाक नहीं उड़ाते थे, क्योंकि एक जो सच्चा योद्धा होता है उसे अपनी और सामने वाले की क्षमता की समझ बहुत अच्छे से होती है। तो आजकल हमारे यहाँ जैसे औरंगजेब को या मुगलों को थोड़ा निगेटिव लाइट में दिखाते हैं जानबूझ के, निगेटिव तो वो थे ही, उतनी बात करना कोई गलत नहीं है, लेकिन जानबूझ के औरंगजेब को औरंगया बोलना या ये कहना कि इन्हें कोई समझ नहीं थी, ऐसा वैसा, इन सारी चीज़ों से शिवाजी खुद अपनी ज़िंदगी में हमेशा दूर ही रहते थे। तो उन सब चीज़ों से हट के अगर आपको न्यूट्रल होके उस समय के इतिहास को, स्ट्रेटजी को, किले कैसे बनाते थे, टेक्नोलॉजी क्या थी, कैसे 300-400 साल पुराने किले आज भी टिके हुए हैं जबकि यहाँ के सीमेंट और डांबर के रास्ते उखड़ने लग जाते हैं एक साल में, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से हट के अगर एक अकेडमिक तरीके से, एक स्टूडेंट होने के नाते, अगर आप इस डिसिप्लिन को पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपसे डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगा इस कोर्स के लिए आप अप्लाई करिए। 10 या 12 हज़ार जितनी भी इसकी फ़ीस है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली इस कोर्स को करिए। और ये सिर्फ महाराष्ट्र या पुणे यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर पेंडेमिक के समय ये ऑनलाइन में अवेलेबल है तो आप डेफिनेटली करिए। अगले साल से जब ऑफलाइन में स्टार्ट हो जाएगा तो पुणे यूनिवर्सिटी में जाके आप इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देके इसके लिए बैठ सकते हो। इसका एंट्रेंस का सिलेबस इन लोगों ने वेबसाइट पे, मैंने देखा था, डाला हुआ है, वो मैंने अपनी टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दिया है। ये ब्रोशर भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा और आपको फ्री में हम वहाँ पे गाइडेंस भी प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आप इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, जो ऑल इंडिया ग्रुप है डिफेंस स्टडीज़ के बच्चों का, टीचर्स का और स्कॉलर्स का भी। वहाँ पे आपको भी इसमें से काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो ये वो आखिरी डिप्लोमा कोर्स था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और इसके एंड करने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि जैसे छत्रपति शिवाजी अपने समय में एक्सपर्ट थे, वैसे ही मॉडर्न टाइम में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लिया जाता है, तो वो भी डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी पे अच्छे ओपिनियंस रखते थे, उनको लेके एक अलग से कोर्स पुणे यूनिवर्सिटी में है। जैसे ही उसकी जानकारी मुझे पूरी लग जाएगी मैं आपके लिए उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि नेशनल सिक्योरिटी पे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए।
जय हिंद।